एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी, लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी, लगेगी। साथियों, अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी। युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी। और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा।